नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम एक कविता पाठ और व्याख्या की श्रृंखला लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोगों ने टूटी हुई बिखरी हुई कविता का पाठ किया और आज उसकी व्याख्या का यह हिस्सा प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और टूटी हुई बिखरी हुई उनकी प्रसिद्ध कविता है। टूटी हुई बिखरी हुई जो कविता है उसे हिंदी का जो जनवृत्त है, हिंदी का जो समाज है, उसे प्रेम कविता की तरह देखता है और हिंदी कविता के आकाश में यह कविता एक विशिष्ट तारे की चमक रखने वाली कविता है। इस कविता को लेकर के जब भी बातचीत की जाती है तो इससे पहले की प्रेम कविताओं को और ख़ास करके स्त्री पुरुष के संबंध की कविताओं को जिस रूप में देखा और परखा जाता रहा है उससे यह आगे की कविता प्रतीत होती है। आप सभी जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में प्रगतिवाद के साथ साथ कला का जो तत्व मौजूद है यह इनकी कविता का मुख्य रसायन है। शमशेर की यह कविता मनुष्य की सबसे अनस्वर रचना की तरह प्रस्तुत होती है। यह समय को बेधती है और समय से परे भी जाती है। तो शमशेर की कविताओं को जब देखेंगे, उनकी कविताओं को जब पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसा रूप इन कविताओं को देखने को मिलेगा जो आपको अन्य किसी इनके समकालीन कवियों के पास अमूमन कम मिलेगा। अब मैं आता हूँ इस कविता पर। कविता जहाँ शुरू होती है, टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पाँव के नीचे पत्तियाँ मेरी कविता है। तो शमशेर जिस प्रेम की ओर इशारा कर रहे हैं यह सब कुछ कविता के फ्रेम में एक कला रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और यह अभिव्यक्ति ऐसी है जो सफल नहीं है, जो अपने समय से छिन्न भिन्न है, टूटी हुई है, उसका कोई एक रूप मौजूद नहीं है। तो यह कविता शुरू ही होती है प्रेम के उस अधूरेपन से, उस बिखराव से, उसके संयोग पक्ष से नहीं बल्कि उसके वियोग पक्ष से। जब वे इस दृश्य की कल्पना करते हैं, टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पाँव के नीचे पत्तियाँ मेरी कविता, बाल झड़े हुए पहले से रूखे गिरे हुए, गर्दन से फिर भी चिपके कुछ ऐसी मेरी खाल, मुझ में अलग सी मिट्टी में मिली सी, तो आप पाएंगे कि इस कविता में वह जो टूटन है, बिखराव है, उस बिखराव का संयोजन किस रूप में शमशेर कर रहे हैं और शमशेर की स्थिति वहाँ कैसे है, कहाँ है। ये कहते हैं कि ठीक है कि ये सारी चीज़ें टूट गई हैं, बिखर गई हैं, लेकिन इस टूटे हुए बिखरे हुए में भी कवि अपना अस्तित्व देखता है। मुझ में अलग सी मिट्टी में मिली सी कुछ ऐसी मेरी खाल, इनकी जो मैंने ठीक है कि प्रेम का वह हिस्सा टूट फूट गया है, वह नहीं है, लेकिन उस प्रेम के मुलायमियत के कुछ हिस्से हैं जो कवि के खाल में, उस प्रेमी के खाल में चिपके रह गए हैं। यानी प्रेम तो टूट गया है, प्रेम तो अलग हो गया है, लेकिन प्रेम का जो असर है वह अलग नहीं है, वह उसके जीवन में उसी रूप में है जैसे पहले प्रेम था। कविता आगे बढ़ती है। दोपहर बाद की धूप छाँव में खड़ी इंतजार की ठेले गाड़ियाँ जैसे मेरी पसलियाँ, खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं जो मेरे आँखों का सुनापन है। यहाँ पे शमशेर जब आगे बढ़ते हैं, कविता को आगे बढ़ाते हैं, तो इंतजार को और उस स्मृति को जिस रूप में बांधने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को ये पंक्तियाँ दर्ज करती हैं।
ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है जो कि मेरी दोस्त है। दरअसल यहाँ पे ठंड सिर्फ मौसम का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रेम की स्मृति से पैदा होने वाले वाली जो सरसराहट है, सनसनी है, उस सनसनी से भी है। और यहाँ पे शमशेर उस सनसनी को संबोधित करने के लिए इसका विधान करते हैं। आगे, कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका रदीफ काफी है क्या थे, इतना खफीफ, इतना हल्का, इतना मीठा उनका दर्द था। तो इस पंक्ति में जब हम देखेंगे, जब हम आएंगे, तो यह प्रतीक है, और यह प्रतीक है प्रेम के उस बातचीत का, उस बातचीत के असर का, जहाँ पर शमशेर उस स्मृति को जीते हैं और ये कबूतरों ने गजल गुनगुनाई, यानी कि ये प्रेम का जो उनका दूसरा पक्ष है, शिकायत नहीं है। वे जानते हैं कि जो प्रेम का स्वभाव है वह बहुत हद तक कुछ दिन देर तक आपके साथ रहेगा, कबूतरों की तरह वह स्थान बदलता रहेगा। तो कबूतरों ने जो गजल गुनगुनाई, जो बातें कही, उसे समझ नहीं सका, लेकिन उसकी जो तासीर है, उसकी जो चुभन है, उसका जो असर है, वो बहुत हल्का है, मीठा है, लेकिन उनमें दर्द है। और वह दर्द जो है, आगे इस कविता में स्पष्ट होता है कि वह दर्द कैसा है। जब आप कविता की इस पंक्ति के पास जाते हैं, उनके इंजेक्शन के चिकोटियों में बड़ा प्रेम है, यानी बातें चुभने वाली हैं। और ये इंजेक्शन की चिकोटियां कैसी हैं? पॉइजन का लेबुल लिए हुए दवाइयां मुझ पर हंसती हैं। आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद में शमशेर बहादुर सिंह जो थे, वे एक मेडिकल शॉप में काम करते थे। तो इस कविता में जब शमशेर कहते हैं, आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ। तो प्रेम का भाव तो है, लेकिन एक दैन्य का भाव है, लेकिन उस दैन्य में अपने अस्तित्व को खो देने का भाव नहीं है। उस कीचड़ में सोए रहने पे भी एक अस्तित्व का वह हिस्सा जो प्रेमी के अस्तित्व का अनिवार्य अंग है, वह भी इसके साथ साथ आपको इस कविता में देखने को मिलेगा। यानी कि भक्ति काल की तरह का प्रेम नहीं है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो वाला स्थिति नहीं है, प्रेम है। और यह प्रेम बेहद लौकिक है, और यह प्रेम लौकिक से पारलौकिक की यात्रा करने वाला भी प्रेम नहीं है, जैसा सूफी साहित्य में होता था। यह विशुद्ध रूप से एक स्त्री और पुरुष का संबंध है, प्रेम का, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। कोई प्रेम में ईश्वर नहीं हो जाना चाह रहा है, या कोई प्रेम का यहाँ विलन नहीं है, बस वो स्थितियां हैं, वो मध्यवर्गीय स्थितियां हैं जहाँ हम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। प्रेम की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। तो यह टूटी हुई बिखरी हुई हिंदी की इसलिए भी महत्वपूर्ण प्रेम कविता प्रतीत होती है कि यह प्रेम को अपने संपूर्ण मानवीय इकाई में देखने वाली कविता है। इस कविता में प्रेम को या प्रेमी को या प्रेम के प्रतिदान के जो दो इकाई हैं, उनमें से किसी को विशेष और किसी को कमतर करके आंकने की कोशिश नहीं की गई है। इससे पहले जब आप भक्ति काल की कविता देखते हैं, तो भक्ति काल की कविता में भी आप देखें कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं, जैसी स्थिति है कि अपने प्रेम में, अपने आराध्य के प्रति अपने अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की जो धारणा है। आप रीतिकाल में आए, घनानंद के प्रेम को देखें, वो आप रीतिकाल की उस कविता को याद कीजिए, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार के धार धार पे धावनो है। तो यहाँ पे, या फिर अति सुधो स्नेह को मारग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पे प्रेम है, दो मनुष्यों के बीच प्रेम है और बराबरी का है। किसी को कमतर करने की कोशिश नहीं है, किसी को विलेन बनाने की, किसी को महान बनाने की कोशिश नहीं है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेम कविता है।
इस कविता को याद करते हुए, इस कविता को पढ़ते हुए आपको राम की शक्ति पूजा को भी याद करना चाहिए। राम की शक्ति पूजा आधुनिक रामचरितमानस है, ऐसा नामवर जी ने कहा था, और वो है, बहुत छोटा है, लेकिन राम की शक्ति पूजा का एक पूरा जो आवरण है वह एक अपने छोटे छोटे संकेतों में पूरे महाभारत को समेटे हुए है। सिर्फ राम की शक्ति पूजा युद्धकांड के इर्द गिर्द घटने वाली घटना नहीं है, अपनी घटनाओं में, अपनी स्मृतियों में, अपने संवाद में वह पूरा रामायण है। तो नामवर जी जब राम की शक्ति पूजा को आधुनिक रामचरितमानस कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं कहते, लेकिन इस पक्ष को हटा दीजिए, निराला के व्यक्तित्व को हटा दीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन को हटा दीजिए, और उसे सिर्फ एक कविता की तरह देखिए, राम को बहुत ईश्वरीय न मानिए, क्योंकि यहाँ पे राम एक आधुनिक मनुष्य की तरह मौजूद है राम की शक्ति पूजा में। तो जब राम की शक्ति पूजा के राम को आप देखेंगे तो राम जिस रूप में सीता को याद करते हैं, राम जिस रूप में मौजूद हैं, वह एक पति पत्नी की बहुत सहज प्रेम की कविता भी है। ठीक उसी तरह टूटी हुई बिखरी हुई एक ऐसी प्रेम कविता है जिसमें संयोग तो नहीं है, राम की शक्ति पूजा में स्मृति है, लेकिन टूटी हुई बिखरी हुई में वियोग पक्ष की त्रासदी है, लेकिन इस वियोग पक्ष में कहीं भी शमशेर आरोपित नहीं करते अपने प्रेम को। आगे जब इस कविता की व्याख्या की जाएगी तो आगे वो पंक्तियां आएंगी, जिन पंक्तियों को देखते समझते आपको यह बताया जाएगा कि इस प्रेम की क्रियाओं में स्मृति का क्या हिस्सा है, और इस स्मृति से यह प्रेम कविता कैसे बड़ी बनती है। आगे जब इस पाठ की व्याख्या मैं प्रस्तुत करूंगा तो आगे इस बात पर भी चर्चा होगी कि यह क्यों हिंदी के सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविताओं में से एक है, इस कविता में और किस तरह की छवियां मौजूद हैं। आज इतना ही, अगली बातचीत में आगे की कविता की व्याख्या की जाएगी। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।